पापा उस दिन के लिए आई एम वेरी सॉरी। ये वो वाली तेरी मासी है कि बदल के दूसरी लेकर आई? उस दिन पता नहीं मैंने आपको गुस्से में क्या क्या कह दिया। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बा। आप बिल्कुल सही कह रही थी बा, मुझे उस फोटोग्राफ में नहीं आना चाहिए था। फैमिली फोटो में आ जाने से कोई फैमिली थोड़ी बन जाता है। फैमिली का हिस्सा बनने के लिए तो फैमिली से रिश्ते जोड़ने पड़ते हैं। और ये बात अब मुझे समझ में आ गई है। और उस दिन मुझे वनराज और समर के बीच में भी नहीं बोलना चाहिए था। समर आई एम वेरी सॉरी। पता नहीं क्यों ये घर मुझे अपना सा लगता है। और अपनों से माफी मांगने में कैसी शर्म। आई एम सॉरी, मैं आप में से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। स्पेशली तुम्हें अनुपमा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मगर मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी तरह देवी नहीं हूं। मैं तो इंसान हूं ना, और इंसानों से तो गलतियां होती रहती हैं। जो कर चुकी हूं उसके लिए भी सॉरी, और जो करने वाली हूं उनके लिए भी। माफ किया, अब कोई पैर छू के कुछ मांगे तो देना ही पड़ता है ना। वो भी पांव छू कर 5-10 हजार मांग ले। मांगा था, डुप्लीकेट दी थी। थैंक यू बा। ठीक है ठीक है, अब आराम से शादी के सब फंक्शन में ना मजे करना। ऑफ कोर्स बा, मैं खुद शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड हूँ जैसे कि मेरी ही शादी हो रही है। मैंने सॉरी इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं गलत थी। मैंने माफी मांगी क्योंकि ये घर मेरा होने वाला ससुराल है, और बहू का ससुराल में आना जाना तो होना ही चाहिए। सबका हो गया, और किसी को सॉरी बोलना है? नहीं बोलना है तो चलो लूडो खेले। अरे मेरे यादों की बारात, लूडो नहीं म्यूजिकल चेयर। I know, मैं रिमेम्बर से जीजा जी। नंदिनी, क्या हुआ तुझे? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ? नहीं कुछ नहीं आंटी, वो मेरी फेवरेट जैकेट है ना, वो फट गई। इतनी सी बात और ऐसे मुंह लटका के बैठी है? पागल छोकरी, डरा ही दिया तूने मुझे। चला। बेचारे की फेवरेट जैकेट फट गई। How sad. How cute. अबे, जो तेरी किस्मत फटी हुई है उसकी चिंता आज तक नहीं हुई, उसकी जैकेट फटी है तुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे पर उसकी जैकेट देखो, यू नो समर, क्या चल रहा है यहाँ पे? किंजू बेबी, कुछ भी तो नहीं। डोंट टेल मी कि आपने किंजू बेबी को भी अपनी टीम में ले लिया। मैं किसी टीम में नहीं हूँ और मैं ब्लाइंड भी नहीं हूँ। उस दिन मैंने हमारी एंगेजमेंट में सब कुछ नोटिस कर लिया था, स्पेशली वो सिज़लिंग केमिस्ट्री बिटवीन #sanan. अरे वाह, आपने तो #hashtag भी जोड़ लिया। How cute. I know. अरे कुछ नहीं। Cute #hashtag यार। कुछ नहीं। #hashtag सुनने। अच्छा लगा जो तुमने अनु के लिए किया। जब तक मेरी सहेली खुश है ना, मैं चुप हूँ। और अगर तुमने उसे फिर रुलाया, तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को रुला दूँगी। पता है, इसीलिए तो ये शादी का ड्रामा करना पड़ रहा है। मेरे परिवार की खुशी के लिए अनुपमा को खुश रखना जरूरी है, और अपनी खुशी के लिए काव्या को। इसीलिए मैं दोनों से शादी कर रहा हूं।
सुनो सुनो सुनो, मैं घुटनों में तेल पहले से लगा के आ गई हूँ, तो चलो अब रबत शुरू करते हैं। अच्छा चलो शुरू करे। ए, मेरे यादों की बारात, क्या हुआ? ए, म्यूजिक बंद करना भूलना नहीं है, वरना हम सब यहाँ परिक्रमा करते रहेंगे और तू म्यूजिक चालू ही रखेगा। आई नो जीजा जी, मने रिमेम्बर से। स्टार्ट द सॉन्ग। ब्यूटीफुल कर गई चुल। स्टॉप। डॉली को मारो गोली, मतलब डॉली तुम आउट हो गई। ओह नो, मुझे इतनी जल्दी आउट कर दिया। अच्छा हुआ ना फोई आप पहले आउट हो गई। कोई वीडियो बनाने वाला भी तो चाहिए। चलो चलो शुरू करते फिर से। चलो चलो चलो। सॉन्ग। जैकेट के लिए इतना मूड खराब क्यों करना? नहीं आ जाएगी। लेट्स सी आज कौन जीतता है। व्हाट्स इट? ओके। लड़की एक एक वर्ड्स के आंसर दे, मतलब बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया मेरी मिस अय्यर को? मेरी, मुझे क्या हो गया? अरे बाजार में दिल तोड़ गई सालिया। सबकी नजर मुझ पे है, लेकिन जिसकी होनी चाहिए वो किसी और को ही देख रहा है। स्टॉप। आप थर्ड अंपायर को बुलाओ। जाओ। अरे क्या क्रिकेट का खेल थोड़ी है, थर्ड अंपायर को बुलाओ। जो भी है, मैं आउट नहीं हूँ बस। अरे चीटिंग, आप चीटिंग मत करो, आप आउट हो। सबने देखा आप आउट हो। अगर मैं आउट हो गई ना तो सारी की सारी कुर्सी अंदर लेकर जाऊंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे होता है। हां चीटर है मां। मम्मी बचपन से आदत है। तुमने देखा मैंने बा को कैसे मनाया? मुझे बात बिगाड़नी आती है और बात बनानी भी। मुझे खेलने दो, नहीं तो खेल यहाँ का यहाँ खत्म। ऐसा कैसे खत्म? अगर बा को खेलना है तो खिला लेते हैं। अरे ये क्या बात हुई भाभी, फिर तो ना मैं भी खेलूंगी। रूल्स ना सबके लिए सेम होने चाहिए। कई बार लाइफ में जीतने के लिए रूल्स बेंड करने पड़ते हैं, और मैं भी वही कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी लाइफ में छोटी सी जगह चाहिए जो सिर्फ मेरी हो, जिस पर सिर्फ मेरा हक हो। एंड यू डोंट वरी, आई विल बी वेरी केयरफुल। फाइनली सब नॉर्मल हो रहा है। आई जस्ट होप मैं अपनी दोनों लाइव्स को ऐसे ही पीसफुली मैनेज करता रहूं। चलो 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 चलो। ए म्यूजिक। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे मामा जी म्यूजिक क्यों नहीं बंद कर रहे? ये बेईमान लीला को आउट करने के लिए। ए भाई लो, म्यूजिक बंद करना होता है इसमें, थक गए हम। I know, मैंने रिमेम्बर थे। लो बन। ए, मीनू आओ, मीनू आओ। आपने अपनी चीटिंग की है। म्यूजिक। मस्ती है माहौल में, चाय कुमारी है, सारे थके बैठे। बस बस बस, अभी थक गए, थोड़ा थोड़ा अभी ना आराम करते। मैं जूस पी लेती हूँ। ब्रेक टाइम। चल चल दो पाई। हेलो मिस लॉल, चीजों से इतना इमोशनली अटैच होना ठीक नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मेरे फेवरेट शूज फट गए थे। अनुपमा आंटी को नहीं बता सकती, लेकिन समर को तो बता सकती हूँ। पर समर अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो समर को तो कितना गुस्सा आएगा। लेकिन किसी को तो बताना पड़ेगा ना। समर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो।
एक्चुअली समर, एक मिनट, मम्मी बुला रही है। आया मम्मी। रेडी? हाँ। ओके, मारो वाले। अनुपमा तुम बहुत भोली हो, किसी की भी बातों में आ जाती हो। मेरा विश्वास मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत। ये ताकत बहुत आसानी से टूट जाती है। Come on, भाभी। तोड़ने वाले के लिए रिश्ता, विश्वास, वादा, ये सब खिलौने, लेकिन निभाने वाले के लिए जिंदगी। ये तो हमारे ऊपर है कि हम तोड़ने वाला बने या निभाने वाला। यस अनुपमा आंटी, नया बनाने के लिए पुराना तोड़ना ही पड़ता है। जिसे एक बार रिश्ते तोड़ने की आदत पड़ जाए, वो फिर कभी रिश्ते नहीं जोड़ पाता। सुपर मम्मी, गिव इट अप। क्या जवाब दे रही है मेरी बहू, वही जीतेगी। ये सब मेरी सिखाई है। हाँ। अगर कोई अपना ही ऐसा करे तब भी यही कहोगी, अपना हो या पराया, जो गलत है वो गलत है। लेकिन प्यार सही गलत नहीं देखता। जो सही गलत का फर्क भुला दे वो पागलपन हो सकता है, प्यार नहीं। लेकिन अगर कोई फिर भी ये पागलपन करने पर उतर आए तो उससे ज्यादा बदकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि प्यार किया जाता है, पाया जाता है, पर छीना नहीं जाता। वाह अनुपमा जी, क्या जवाब दिया है आपने, बिल्कुल 10/10। बहुत अच्छे भाभी, क्या बात है, आपने तो खेल ही खत्म कर दिया। भाषणबाजी में मेरी बहू से कोई नहीं जीत सकता। Too good, भाभी। कान्हा जी ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तो तुम्हें अपने आप मिलेगा, पर अगर छीनना पड़े तो समझो वो तुम्हारा है ही नहीं। वाह वाह, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।